वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक साथ दोनों चीजें टेस्ट हो रही। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नहीं दिए पैसे, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एडवांस में दे दिए। हर टाइप के लोग होते हैं। ध्यान से देखेंगे। डीसीसी लिमिटेड इशूड 5 लाख शेयर्स। इस बारी और शेयर्स बढ़ा दिए, बट 10 रुपए के, पिछली बारी 100 के थे, कोई बात नहीं। 3223, तो अगेन शेयर्स हैव बीन इशूड एट पार, नो प्रीमियम, कोई गुडविल वैल्यूएशन नहीं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। आरव होल्डिंग 80,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द टू कॉल्स। एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, जोश जोश में 80,000 शेयर्स ले लिए थे, ना तो वो फर्स्ट कॉल दे पाया ना ही वो सेकंड कॉल दे पाया। हार गया बेचारा इंडिया पाकिस्तान। राघव होल्डिंग 40,000 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी जब मांगी तो उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी दे दी और सेकंड कॉल भी दे दी। ताजा ताजा सीखा है, बट इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है, क्योंकि एरियर्स भी हैं और एडवांस भी है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बहुत थोड़ा सा। ध्यान से देखो, तो पहली एंट्री एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे तो ना कोई एडवांस है ना ही कोई एरियर है, तो एप्लीकेशन की एंट्री तो बेसिक सी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कुछ स्पेसिफाइड है, इक्विटी शेयर्स हैं नहीं, टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स हैं? 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपीज। 5 3 15। नरेशन लिख लेंगे अपने आप। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कोई डाउट? अब कहानी मजेदार होगी। क्यों? अलॉटमेंट पे काफी हलचल हुई। आरव नहीं, अलॉटमेंट तो दे दिया, अलॉटमेंट तो दे दी, ज्यादा हलचल नहीं हुई, थोड़ी सी हुई। राघव पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। तो जगह कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा होगी तो एक्स्ट्रा होगी। वर्किंग नोट बनाते हैं, क्योंकि अब मैं नीचे लिखूंगा ना वो स्कोप रहेगा नहीं। तो चलो लेट्स होप इतनी जगह में हमारा काम हो जाएगा। सर कलर चेंज करो, ठीक है बेटा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। ये वैसे एक एंट्री के बाद आना था, कोई बात नहीं, अब आ गया, मैं बार बार कलर चेंज नहीं करता। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो क्या बताया, क्या स्टेप होता है? मनी ड्यू, पैसे मिलने कितने चाहिए थे, कह रहे कितने शेयर्स हैं? 5 लाख। अलॉटमेंट 2 रुपए, 3 2 2 रुपए, 10 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गए। क्या मिल गए एक्स्ट्रा? कॉल्स इन एडवांस। किसके एक्स्ट्रा मिल गए? राघव के पास कितने शेयर्स थे? 40,000। एक्स्ट्रा कितने मिल गए? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 2 + 3 5। सर अभी तो फर्स्ट कॉल दी होगी ना? नहीं, एंटायर अमाउंट ड्यू उसने एक साथ दे दी, तो कितने रुपए? 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। तो टोटल कितने मिले? 12 लाख रुपीज। अब ध्यान से देखना, क्यों कह रहा था मैं कि ये एंट्री और ये वर्क नोट एक एंट्री के बाद आता, क्योंकि पहले तो ड्यू होंगे, तो ड्यू की एंट्री तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अलॉट मनी तो हमें थोड़ी ना पता था अलॉटमेंट के टाइम आगे क्या, व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। अलॉटमेंट आपने पूरे मांगी, कितने लिखने की जरूरत नहीं है, 5 लाख × 2 10 लाख रुपीज। जब अलॉटमेंट मनी मिली तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले, तो ये है वर्किंग नोट वाली बात। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट के कितने मिलने थे? 10 लाख रुपीज। एक्स्ट्रा कितने मिले? 2 लाख रुपीज। टोटल कितने मिले? 12 लाख रुपीज। कोई भी डाउट? तो इसका वर्किंग नोट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, फर्स्ट कॉल ड्यू हुई तो एंट्री क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल। अब तो एडवांस आ चुका है राघव का, तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी तो पूरे 5 लाख शेयर्स की होगी या 40,000 कम की होगी? बीमार है क्या? तो ढंग से बोलना कॉन्फिडेंस के साथ। 5 लाख। 5 लाख ना जाए, पता होना चाहिए था। अभी तो बताया कि ड्यू अब कैपिटल में ट्रांसफर होगा ना, तो पूरे से होगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। सर आप कितने प्यार से बात करते हो, बड़ा मजा आता है, गुस्सा दिलाता है। 5 लाख इंटू 2, 10 लाख। ये प्यार ही है बेटा, यही है जो है। 10 लाख ड्यू थे, मिले कितने? कुछ पैसे ऑलरेडी आए हुए हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट आ गया। इसी के लिए क्वेश्चन कराया जा रहा था, ध्यान से देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट नंबर 2। मजेदार इस क्वेश्चन की जान। कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी ड्यू, मिलने कितने चाहिए थे? कह रहे 5 लाख शेयर्स हैं, 2 रुपए फर्स्ट कॉल। ठीक, दो रुपए फर्स्ट कॉल। 10 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे, कुछ पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं। कॉल्स इन एडवांस किसके? राघव के। कितने शेयर्स थे राघव के पास? 40,000। तो 80,000 तो ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ मिलेंगे ही नहीं। कॉल्स इन एरियर्स भी माइनस हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस एडजस्टमेंट की वजह से माइनस हो रहा है कि भाई साहब ये पैसे तो मिल चुके हैं, अब मिलेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कितने पैसे मिलेंगे, कह रहे 10 लाख मिलने चाहिए थे, जिसमें से 80 तो ऑलरेडी मिल गए, दोबारा नहीं मिलेंगे, माइनस कर दो। एरियर्स आरएफ के 80,000 शेयर्स पे 2 रुपीज नहीं मिलेंगे, तो 240 मतलब 760। समझ आई बात? मजेदार। तो बैंक की एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो पैसे नहीं मिले। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, जो एडवांस पुराना यूज हो रहा है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट। कितनी है फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल तो 10 लाख रुपए की है, जिसमें से 18 इंटू 2, 160 मिले नहीं, 80 पहले से आ चुके थे, 760 मिल गए। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? अब खत्म है, सेम चीज, अब तो रेपिटेशन है। सेकंड कॉल में क्या हुआ? शेयर सेकेंड कॉल डेबिटेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितना? 5 लाख इंटू 3, 15 लाख। सेम एडजस्टमेंट, जितने मिले वर्क नोट आप अपने आप बनाएंगे। कुछ पैसे मिले नहीं, कुछ पहले से
आए हुए थे। किस स्टेज के पैसे हैं? सेकंड एंड फाइनल। ₹15 लाख, 3 रुपीज, तो एरियर्स 80,000 इंटू 3 240, एडवांस 40,000 इंटू 3 120, 360 मतलब 1140। कर लेंगे अपने आप कैलकुलेट, इम्पॉर्टेंट है, इजी है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क नोट अपने आप बनाएंगे, वर्क नोट में बना देते हैं, मुझे ना बहुत डर लगता है आप लोगों से। जे है वर्किंग नोट नंबर 1, जे है वर्किंग नोट नंबर 2, और जे होगा वर्किंग नोट नंबर 3। कर देता हूँ ये भी, क्योंकि जो ये थोड़े थोड़े वाले हैं ना, पता नहीं ना कि कहीं ये थोड़ा थोड़ा हो जो समझ ना आया हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल। मनी ड्यू कितने मिलने चाहिए थे? टोटल शेयर्स कितने हैं? 5 लाख। मिलने चाहिए थे सर 3 रुपए। अच्छा जी, कितने पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं कॉल्स इन एडवांस? कितने पैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं राघव के? 40 इंटू 3। और कितने मिले नहीं? कॉल्स इन एरियर्स 80,000 इंटू 3, 240। तो 360 माइनस करा तो कितना आया? क्या है सर ये, इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, आप बार बार हटाए जाते। कितने आए? 1140। कोई डाउट? ये है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस इज नॉट इन कोर्स। ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस कोर्स में है, उसकी इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट। सर इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट भी होता है? हाँ होता है, कोर्स में नहीं। रेट आपको याद होना चाहिए, कॉल्स इन एडवांस आपने पैसे दिए, शेयर होल्डर्स फायदे पे रहेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस 12%, कॉल्स इन एरियर्स 10% पर एनम। पॉइंट ये है। जर्नल एंट्रीज क्लियर? कोई भी डाउट? इजी बट इम्पॉर्टेंट।